हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लाए हैं फिलिप्स का हैंड बीटर। ये मैंने नया ख़रीदा है और इसकी अनबॉक्सिंग मैं आज आपके सामने करने वाली हूँ। फिलिप्स के प्रोडक्ट अच्छे आते हैं और ये देखिए अच्छा दिख रहा है। इसकी बॉक्सिंग भी बहुत अच्छी की हुई है। इसके पीछे इसकी प्राइस और मॉडल नंबर दिया हुआ है। इसका मॉडल नंबर है HR3705/10 और प्राइस है 2295। ये मुझे अमेज़ोन से 2100 में पड़ा है। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मैंने सील हटा दिया था पहले ही। इसमें हमको दो तरह के बीटर आए हैं। इसको निकालते हैं हम बाहर। एक हमको मिले हैं ये कॉनिक शेप वाले बीटर। इन बीटर का यूज़ जनरली बैटर बनाने में काम में आता है। जैसे हम बनाते हैं केक का, डोनट का, मफिन का, इनका बैटर बनाते हैं उसमें ये हमको काम आते हैं। इसके अलावा हम इससे जो हम केक के ऊपर आइसिंग करते हैं वो क्रीम बीट करने में काम आता है। ये काफ़ी यूज़फुल है। इसके साथ ही हमको एक और बीटर मिले हैं। ये हमको डव बनाने में काम आते हैं। जो हम आटा लगाते हैं उसमें काम आता है। ये काफ़ी मजबूत स्टील का बना हुआ है। देखिए बॉक्स में से हम बाकी की चीज़ें भी निकाल लेते हैं। ये रहा मशीन, इसको हम खोलते हैं। मैं इसको आपके सामने खोल रही हूँ। ब्लैक कलर का है ये और ये काफ़ी डिफरेंट और सुंदर दिख रहा है। इसके साथ हमको आया यूज़र मैनुअल। इसमें सारे फीचर्स की डिटेल दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है इसमें। ये 300 वोल्ट का है और लाइट वेट है। इसके साथ हमको वारंटी कार्ड आया है जिसमें हमको 2 साल की वारंटी मिली हुई है। ये सच में काफ़ी लाइट वेट है और इसका हैंडल काफ़ी मजबूत है। ये दिखने में भी काफ़ी अच्छी है, एकदम मॉडर्न किचन के अकॉर्डिंग। इसमें 5 डिफरेंट स्पीड मोड दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही इसमें ये टर्बो बटन दिया हुआ है जो एक्स्ट्रा स्पीड के लिए है। साथ में यहाँ पे रिलीविंग बटन है, इसको प्रेस करते ही बीटर अपने आप निकल जाएंगे। अब हम इसको प्लग करके बताते हैं। इसमें 5 स्टेप दी हुई है स्पीड की। 1, 2, 3, 4। इसके साथ ही यहाँ पे ये टर्बो बटन दिया हुआ है जिससे हम स्पीड ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको बीटर लगा के दिखाती हूँ। अब हम इसको एक बार फिट करते हैं। इजी फिट हो जाता है ये, देखिए अच्छे से फिट हो गया। मैं आपको चला के दिखाती हूँ। इसमें ये इजी स्टेप्स दी हुई है स्पीड की। ये जो रिलीविंग बटन है बस हल्का सा प्रेस करना है और आप देखेंगे बाहर। इसी तरीके से हम ये वाले भी इसमें फिट करेंगे। इसमें फिट करना बहुत ही आसान है, ये देखिए। मैं आपको इसको भी चला के दिखाती हूँ। ये 21 स्पीड है। बहुत ही खूबसूरत है और बहुत इजी है इसको यूज करना। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। हमने यहाँ पर आटा लिया है, अब हम आपको आटा लगा के दिखाते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें पहले, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। अब स्पीड बढ़ाएंगे इसकी।
थोड़ा रेस्ट देंगे मशीन को और फिर से पानी डालेंगे। देखिए कितना फटाफट लग चुका है। डो रेडी है। हमने ना आटे में तेल डाला था और ना ही बीटर पर तेल लगाया था, फिर भी ये चिपका नहीं है और एकदम परफेक्ट लगा है। इसी तरीके से हम क्रीम भी बीट करके दिखाते हैं आपको।